बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एटम। जो एटम का कंसेप्ट है वो बिलोंग करता है ग्रीक फिलोसफर से। इट बिलोंग्स टू ग्रीक फिलोसफर जिनके मुताबिक जो है ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। ग्रीक फिलोसफर के मुताबिक जो मादा है वो छोटे छोटे ना काबिले तकसीम पार्टिकल से बना है, जिसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते। डेमोक्रेटस ने इसको नाम दिया, डेमोक्रेटस कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम। जो डेमोक्रेटस ना उसने इन पार्टिकल का नाम दिया एटम का, जो उसने ड्राइव किया एक ग्रीक वर्ड एटमोस से, जिसका जो मतलब होता है वो होता है इंडिविजिबल, यानी जो तकसीम के काबिल ना हो। और हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसको नाम देते हैं एटम का, एटम इन इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रीक फिलोसफर के मुताबिक मादा जो है वो ना काबिले तकसीम पार्टिकल से बना है, और डेमोक्रेटस ने इसको नाम दिया एटम का, जो ड्राइव किया गया वर्ड एटमोस से, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। अब हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर कहते हैं कि हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर बोलते हैं, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है मास एंड वेट के। जो मैटर है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेट। मास जो है उसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट वॉल्यूम, और वेट जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पुल, जो है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। जब इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास मादा बनता है। फिर 17वीं सेंचुरी में मादे की जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। अब ये क्वांटिटेटिव स्टडी क्या है? एनालिसिस जो होता है, तजिया करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं एनालिसिस, वो दो तरह का होता है, या हो सकता है क्वालिटेटिव या हो सकता है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शुगर का मॉलिक्यूल है, वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी कि हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिफिकेशन अगर करें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर हम उसकी बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उनकी अमाउंट कितनी है, जब हम बात करेंगे अमाउंट की तो वो क्या आ जाएगी? क्वांटिटेटिव स्टडी। अब इसकी स्टडी से ये पता चला कि जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, हाउ कंपाउंड वाज फॉर्म, कंपाउंड यानी कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है कंपाउंड, और एक कंपाउंड जो है उसको कैसे ब्रोकन डाउन कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स में, ब्रोकन डाउन इनटू इट्स एलिमेंट। अब 1808 में एक साइंटिस्ट था जॉन डॉल्टन, उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसके जो पास्टुलेट हैं वो ये हैं कि जो मादा है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ
बनी है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसका पहला पासवर्ड ये है कि जो मादा है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। एक पासवर्ड ये हो गया। दूसरा ये है कि जो एटम है अगर तो वो एक एलिमेंट के हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अगर तो वो एटम एक सेम एलिमेंट के हैं तो वो एक जैसे होंगे, आर आइडेंटिकल। और अगर वो एटम जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो वो डिफरेंट होंगे इन साइज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरी इन साइज, वेरी करेंगे इन साइज। ये उसकी थ्योरी थी जॉन डॉल्टन की, कि उसके मुताबिक जो मादा है वो मिलकर बना है एटमों से जो डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। एटम जो हैं वो अगर वो सेम एलिमेंट के हैं तो वो आइडेंटिकल होंगे, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो वो वेरी करेंगे इन साइज। ये थी जॉन डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी।